हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ सुमित, देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर देहरादून से। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और अभी हम जा रहे हैं मूवी देखने, गदर 2। यहीं पे पास में एक टाइम स्क्वायर मॉल है और वहाँ पर एक मूवी लगी है। अभी 6:20 का शो है, तो अभी हम जा रहे हैं तो दिखाते हैं आपको वहाँ पर। अब मूवी के बाद आपको रिव्यू बताते हैं कि कैसी वो मूवी है। तो देहरादून का मौसम आजकल बहुत ख़तरनाक हो रखा है। आजकल लगातार बारिश हो रही है, ले इस बारिश से तो अब परेशानी हो गए हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है। मतलब अगर सुबह को भी नहीं हो रही है तो शाम को तो ज़रूर होगी ही होगी बारिश। तो फ़िलहाल अभी गाड़ी बैक कर रहे हैं, फिर चलते हैं। तो अभी हम रायपुर में हैं और क्योंकि यहाँ पे वन वे का ये रास्ता है, तो रायपुर चौक होते हुए नहीं जाएंगे, सीधा औली खाल की तरफ जाएंगे। ये हिमांशु भैया ड्राइव कर रहे हैं, इनके बगल में हर्षित भैया लुकैटी है। ओ भाई जी, भाई यार ये थोड़ा सर मिले हैं कैमरे के आगे, मतलब ये थोड़ा सर, ये मामी जी है और यहाँ पे बैठा हूँ मैं। अभी दिख नहीं रहा अभी कैमरा आगे की तरफ है ना। तो ये अभी हम लाडपुर के पास में हैं और यहाँ पे देहरादून स्मार्ट सिटी है, लेकिन रोड की हालत बहुत ख़राब है। बहुत गड्ढे इस रोड में हो रखे हैं आजकल बारिश के कारण। तो ये ट्रक हमारे आगे आ गया था, तो इसके चक्कर से हम भी रेड बत्ती पे ही फंस गए, नहीं तो हम थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाते। तो अभी हम सहजदारा क्रॉसिंग में हैं, क्रॉसिंग से राइट मुड़ते ही इसी रोड में आगे ये मॉल है। तो ये है टाइम स्क्वायर मॉल, यहाँ पर अभी हम पहुंच गए हैं। तो अब अंदर चलते हैं। तो यहाँ से हमने एंट्री करनी है और बाहर तो लगातार बारिश हो रही है, ये देख सकते हैं आप, गाड़ियाँ ऐसी बारिश में चल रही है शाम के टाइम पे। ये बिलिंग काउंटर है, यहाँ पे आप टिकट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। टिकट बुक करके अभी हम ऊपर लिफ्ट से चल गए हैं। पहले तो लिफ्ट चल नहीं रही थी, लेकिन अभी मैं अकेले आया हूँ तो चल गई है। तो इसने मुझे अभी पांचवें फ्लोर में छोड़ दिया है, ठीक है, थोड़ा बहुत सीढ़ी में उतना नहीं चढ़ना पड़ा। तो ये अंदर कुछ ऐसा है, आप यहाँ पे खाने के सामान कुछ भी नहीं ले जा सकते अंदर। जब इंटरवल होगा तो आपको यहाँ पर खाने की चीज़ें बाहर से ही खरीदनी पड़ेगी। तो अभी मूवी के बीच में इंटरवल हो गया है, बहुत से लोग बाहर गए हैं इसलिए आपको सीटें खाली दिख रही होगी। तो हम भी थोड़ा सा बाहर चलते हैं, कुछ खाने का देखते हैं, बाहर से लेके आते हैं। तो ये सब लोग अपने लिए खाने के लिए ले जा रहे हैं अंदर पॉपकॉर्न वगैरह, थोड़ा महंगे यहाँ पे आपको मिलेंगे। मतलब जो आपको बाहर पॉपकॉर्न 40-50 का मिल जाएगा, वो यहाँ पर आपको 300 तक का मिल रहा है। और ये अंदर सब लोग वापस से अपनी सीट में बैठना शुरू कर दिए क्योंकि अब दोबारा से मूवी स्टार्ट होने वाली है। तो मूवी एंड हो गई है, तो अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊँगा कि कैसी ये मूवी थी। पैट्रियट, रिलीजन और इमोशन, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत से लोगों को आपस में जोड़ के भी रखती है और तोड़ भी देती है। 22 साल पहले गदर मूवी आई थी और आज 22 साल के बाद गदर 2 आई है। इस मूवी ने कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और इस मूवी के जो आन बान शान है वो सनी देओल है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा।
ये हमने 22 साल पहले गदर मूवी के अंदर सनी देओल का एक डायलॉग सुना था जो पूरी तरीके से हिट रहा। आज भी लोग जब इस डायलॉग को याद करते हैं तो सबसे पहले वो गदर मूवी याद आती है। तो गदर मूवी के साथ इमोशन लोगों के जुड़े हुए हैं। उदित नारायण के गाने इस मूवी को और भी ज़बरदस्त बना देती है, इस मूवी में जान डाल देती है। जी हाँ, जैसे कुछ पुराने वाले गाने भी इसमें थे, उड़ जा काले कौवा, मैं निकला गाड़ी लेके, इसके अलावा महफिल, बहुत से नए गाने हैं, मतलब गाने भी बहुत अच्छे इसमें हैं। अरिजीत सिंह की आवाज़ इसमें आपको मिलेगी। जब गदर मूवी आई थी तो उसके बाद अभी 22 साल हो चुके हैं, 22 साल बाद गदर 2 आई है। इन 22 सालों में बहुत कुछ बदला, यहाँ तक कि हम चांद तक में पहुँच गए। लेकिन जो नहीं बदली वो है बॉक्स ऑफिस में सनी देओल और उदित नारायण। जी हाँ, कमाल की एक्टिंग सनी देओल की, वही एक्शन जो उनके डायलॉग मूवी के अंदर होते हैं, वही अंदाज जो पुराना था, और उदित नारायण की आवाज़, मतलब नेक्स्ट लेवल यार। बहुत से दर्शकों को ये एक्सपेक्ट थी कि इस मूवी में भी सनी पाजी कहीं हेडपम्प उखाड़े, तो इस मूवी में तो हेडपम्प उखाड़ा नहीं है। लेकिन हाँ, जो तारा सिंह का रोल सनी पाजी इस मूवी में निभा रहे थे, तो उनका जो लड़का होता है इसमें वो होता है जीते, तो जब वो दोनों पाकिस्तान में रहते हैं तो उनके पीछे जो पाकिस्तानी लोग पड़ते हैं उनको मारने के लिए, कुछ मौलाना भी पीछे उनके पड़ते हैं, तो जैसे ही पहले तो पीछे भागते हैं उनको मारने के लिए, लेकिन रास्ते में जैसे ही उनको हेडपम्प दिखता है तो जो तारा सिंह है सनी पाजी, तो वो जैसे ही हेडपम्प की तरफ नज़र दौड़ाते हैं, तो ये सीन पीछे से ऐसा क्रिएट होता है, कैमरे से ऐसा दिखाता है कि जो पीछे लोग होते हैं वो, मतलब उनके पैर एकदम से रुक जाते हैं, उनके पैर में ब्रेक लग जाता है, और जैसे ही सनी पाजी हेडपम्प को देखने के बाद पीछे की तरफ देखते हैं वो गुल हो जाते हैं वहाँ से। मतलब हेडपम्प का खौफ इतना भयंकर इस मूवी के अंदर दिखाया गया है उसका। तो हेडपम्प तो इस बार इंडिया नहीं आ पाया, लेकिन जो मुस्कान नाम की लड़की है वो ज़रूर इंडिया आ जाती है। इस मूवी में होता क्या है, जो इमोशनल सीन है, जैसे आप अपने घरों पर भी देखते होंगे कि जो बच्चे हैं वो बहुत जिद करते हैं अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से, कि मुझे गाड़ी दिलवा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इस मूवी में क्या होता है, जो सनी पाजी है वो तारा सिंह है, ये तो सबको ही मालूम है, लेकिन इस मूवी में अभी आए हैं उत्कर्ष शर्मा। जी हाँ, तो उत्कर्ष शर्मा रोल कर रहे हैं तारा सिंह के लड़के का, जिनका नाम मूवी में जीते हैं। तो जीते को स्कूल कॉलेज भेजा जाता है, लेकिन वो कॉलेज ना जा करके उसको शौक होता है एक्टिंग करने का, नाटक करने का, तो वो सब सीखने और वो सब करने वो चला जाता है। तो एक दिन पकड़ा जाता है उसका जो बापू है सनी पाजी, जो इस मूवी में तारा सिंह का रोल निभा रहे हैं, तो वो उनको पकड़ लेते हैं। तो जैसे ही उनको दिखता है कि ये तो कॉलेज आया था, ये यहाँ क्या कर रहा है, तो वैसे ही चांटे मार देते हैं, और वो बहुत ज़बरदस्त मारते हैं जैसे मूवी में दिखाया गया है। तो उसको लेकर के घर आते हैं, तो एक माँ कैसी होती है, तो उसकी मम्मी के सामने उसको डांटते हैं, एक और झापट पड़ती है, तो उसकी जो मम्मी होती है उसको तारा सिंह कहते हैं, जो अमीषा पटेल इस मूवी में, कहते हैं कि ये 10 दिन से हम इसको स्कूल कॉलेज भेज रहे हैं, लेकिन ये तो कुछ और ही कर रहा है। तो वो रिएक्शन देती है कि हैं ऐसे, आमतौर पर भारत में सभी माएँ भी करती हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो सनी पाजी उसकी तरफ देख के कहते हैं, तू तो इतनी भोली बन रही है कि जैसे तुझे कुछ मालूम ही नहीं है। तो फिर उसके बाद तारा सिंह जीते को एक कमरे में बंद कर देते हैं उसकी कॉपी किताबों के साथ, जो कि बहुत धूल खारी होती है, तो दोबारा पढ़ने के लिए उसको बिठा देते हैं, बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देते हैं, और अमीषा पटेल जी को कहते हैं कि जब तक ये पूरे दिन पढ़ेगा नहीं तब तक इसको खाना वगैरह कुछ नहीं देना है। अपने आप वो अपने काम में निकल जाते हैं। तो उसके बाद माँ तो माँ होती है, वो दिन में उसको अच्छे से खाना खिला देती है। तो जैसे ही तारा सिंह वापस घर आते हैं, तो जो जीते होता है वो पढ़ता हुआ दिखता है उसे, अब पढ़ रहा, उससे पहले तो कुछ नहीं पढ़ता है, लेकिन उस समय वो पढ़ता हुआ नज़र आता है, तो वो बड़ा खुश होता है कि वाह आज मेरा पुत्र पढ़ाई कर रहा है, ये देख के बिल्कुल खुश हो जाता है, और वो बोलता है अपनी वाइफ को कि इसने कुछ खाना खाया, तो बिल्कुल मना कर देती कि आपने मना किया था और मैं इसको कुछ नहीं खिला रही हूँ, अभी तक मैंने इसको कुछ नहीं खिलाया है, सुबह से भूखा है बेचारा।
तो वो बोलता है कि मैंने इतना भूखा रहने के लिए, मतलब मैं भूखा रहने के लिए बोलूँ तो तुम इसको भूखा रख दोगे। तो अपने हाथ से खाना ले जाता है, उसको खिलाता है और बातचीत थोड़ा सा करते हैं। उसको हॉस्टल भेजना चाहता है पढ़ाई करने के लिए चंडीगढ़। तो जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो फिर वो उसको अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। और जैसे ही उनकी बात होती है, हॉस्टल जाने की बात होती है, तो वो गुस्सा हो जाता है जीते और वो कॉपी किताब बंद कर देता है। दरअसल वो किताब के अंदर कुछ और पढ़ रहा होता है, तो वो पेज बाहर आ जाता है। तो ऐसे में जो तारा सिंह है वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, फिर से उनको चांटे मारना शुरू कर देता है। तो इतने में ही वो, क्योंकि पढ़ना नहीं चाहता था, उसको ज़बरदस्ती पढ़ाई में धकेला जा रहा था, वो एक्टिंग करना चाहता था, लेकिन सनी पाजी यानी तारा सिंह नहीं चाहते थे कि वो एक्टिंग करे। तो दो चार दिन बाद उसका बर्थडे आने वाला था, तो उसने एक मांग रखी थी कि जैसे आमतौर पर सभी रखते हैं कि एक बापू मुझे एक बुलेट चाहिए। तो जैसे तैसे करके सनी पाजी उसके लिए बुलेट खरीद के लेके आते हैं उसके बर्थडे के दिन। तो वो मोमेंट बहुत खुश हो जाता है जीते, और फिर गाना शुरू हो जाता है मैं निकला गड्डी लेके। तो ये गाना तो भाई पहले से ही बहुत हिट है। सभी लोग 22 साल बाद सनी देओल और उदित नारायण को एक ही मूवी में देख रहे हैं। तो मतलब 22 सालों के अंदर बहुत कुछ बदला, लेकिन नहीं बदला तो इन दोनों की कला, सनी पाजी की एक्टिंग और उदित नारायण के गाने, मतलब दोनों ही जान डाल देते हैं किसी भी मूवी में। इन 22 सालों के अंदर इनकी उम्र ज़रूर बढ़ी है, लेकिन काम बिल्कुल वही पुराने वाला। इस मूवी में दिखाया गया है कि जो पार्टीशन के टाइम पे एक पाकिस्तान का जनरल है, तो उसको उसके परिवार वाले मारे जाते हैं, तो इस वजह से वो बदला लेने की कोशिश भी करता है इस मूवी में। तो लास्ट में मूवी में ऐसा होता है कि ये जनरल जो है इंडिया के कब्जे में लगभग आ जाता है, तो जो तारा सिंह होता है उसके हाथ में जो इंडियन जनरल होता है वो सौंप देता है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा आपस का मामला है, निपट सकते हो तो निपटो। तो जब तारा सिंह इसके सामने आते हैं, तो पाकिस्तान में जब ये पाकिस्तान के लाहौर में जब रहते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे सीन होते हैं, वो सीन आप मूवी में देखेंगे। लेकिन जब एंड टाइम पे इसको पाकिस्तानी जनरल को आमने सामने होता है सनी पाजी के यानी तारा सिंह के, तो यहाँ पर एक तो इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसा एक बेटा अपने पिताजी के लिए दूसरे देश यानी पाकिस्तान चला जाता है अपने पापा को ढूंढने। इस दौरान वो वहाँ पर रहने के लिए बहुत सारे काम करता है जो उसने पहले नहीं किए होते हैं, लेकिन करता है सिर्फ अपने पापा की ढूंढने के लिए। एटलीस्ट वो जेल तक तो पहुँच जाता है, लेकिन एटलीस्ट उसको पता चलता है कि उसके पापा जो है वो वहाँ पर नहीं है। मतलब वो जो कुछ सरहद पार गए थे पाकिस्तान में, तो उसमें से जो 6 लोग होते हैं, वो 6 में से उसके पापा नहीं थे, वो पहले ही पीछे नदी के थ्रू कहीं बहके चले गए थे, और वो अभी जिंदा है। फिर वो पाकिस्तान में फंस जाता है, वहाँ तक जाने के लिए, जेल तक जाने के लिए वो एक लड़की का सहारा लेता है। उस लड़की का नाम मुस्कान होता है, सिमरत कौर, इस एक्ट्रेस को आप जानते होंगे। तो यहाँ से उनकी थोड़ा सा लव स्टोरी भी आगे बढ़ती है। फिर जब लास्ट में जो मैंने बताया कि पाकिस्तानी जो जनरल होता है उसके सामने ये दोनों बच्चे होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इन दोनों की शादी हो, तो पाकिस्तानी जनरल के सामने मौत खड़ी होती है, और उसके सामने एक तरफ मुस्कान, दूसरी तरफ तारा सिंह का बेटा, ये दोनों रहते हैं, और एक तरफ कुरान और एक तरफ गीता। तो तारा सिंह उसे एक किताब चुनने को कहते हैं कि इनमें से एक चुनो, तो वो दोनों ही चुनता है, भगवद गीता भी और कुरान भी, जबकि वो पाकिस्तान का है। इसके बाद तारा सिंह उसको बोलता है कि एक चुनने को, तो उस समय भगवद गीता चुनता है। तो जैसे ही तारा सिंह उस जनरल के सामने खड़े होते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, तो वैसे ही वो उसको बोलता है कि तुम्हारे जो रिलीजियस जो गुरु नानक देव हैं, तो वो कभी भी मारना नहीं सिखाते हैं, अलग करना नहीं सिखाते हैं। तो जो सनी पाजी होते हैं तारा सिंह, तो वो उन्हें कहते हैं अगर ये बात तुम्हें समझ में आ जाती तो तुम इन दोनों बच्चों को गले लगाते, ना कि अलग करते, ना कि इन्हें मारने की सोचते। और इतना कह करके तारा सिंह पीछे मुड़ते हैं अपने घर के लिए। तो जो ये पाकिस्तानी जनरल रहता है, तो ये नीचे गिरता है और इसके हाथ में गन आ जाती है, तो उसको गन उठाता है तारा सिंह को मारने के लिए। तो तभी जो इंडियन आर्मी वहाँ पर रहती है वो काम तमाम कर देती है इस पाकिस्तानी जनरल का, और यहीं पर एंड होती है ये मूवी।
तो मतलब इस मूवी में बहुत कुछ है, बहुत मज़ा इस मूवी को देखने में थिएटर में आएगा। अभी पठान मूवी को भी ये पीछे छोड़ चुकी है कमाई के मामले में, लगभग 400 करोड़ से ऊपर की कमाई अभी तक ये मूवी कर चुकी है। तो थिएटर में देखने में तो बहुत ही मज़ा आया इस मूवी को, आप लोग भी जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मूवी देखने आप ज़रूर जाएं थिएटर का, क्योंकि एक अलग ही मज़ा होता है।